अर्जुन खुद जल जाएगा, लेकिन इस बंधन पर एक आंच नहीं आने देगा। ये जो कुछ भी हो रहा है इस मिशन की वजह से हो रहा है। मिश्री मेरी पत्नी है, अगर मेरी पत्नी पर वार होगा तो अर्जुन ढाल बनकर उसकी रक्षा करेगा। दादी प्लीज इसे अपना लीजिए मेरे लिए। मेरी शादी आपका सपना था, आपका सपना पूरा हो गया। सपना तो टूट गया अर्जुन, और दिल भी टूट गया। टूटे हुए सपने के टुकड़े हमारी आंखों में चुभ रहे हैं, और दिल के टुकड़े हमारे सीने में। सांस तक लेना मुश्किल हो रहा है हमसे। यही चाहता था ना तू? आज तूने हमारे गुरूर, हमारे विश्वास का जनाजा निकाला। और जनाजा उठाने पे जश्न नहीं, मातम मनाते हैं। तेरी शादी हमारी बर्बादी अर्जुन, और तुझे हमारी बर्बादी मुबारक हो। तुझे भी। बस तुम्हें एक बार मुझसे सच कह देते, मैं खुद अपनी अन्नू का रिश्ता तुमसे खत्म कर देता। मिश्री, तुमसे क्या कहूं मैं? दिल से सोचा था कि जब तुम्हारा ब्याह होगा ना, तो मन से आशीर्वाद दूंगा तुम्हें। अफसोस, अब तुम्हें देने के लिए माफी तक नहीं मेरे पास। शुक्र है तू बेटी जैसी थी, अगर बेटी होती ना तो जीते जी मर जाता मैं। चल बेटा। बबलू जी, हमको तो लगता है हमारे घर पे कोई बुरा साया पड़ गया है। अब सब कुछ खत्म हो गया समझो, राम भला करे। यशोदा जी, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। चलिए। हाँ आप तो चलिए, चलिए। आज तूने हमारे गुरूर, हमारे विश्वास का जनाजा निकाला है, और जनाजा उठाने पे जश्न नहीं, मातम मनाते हैं। इस लड़की ने तुझसे तेरे पैसे की वजह से शादी की है। अरे ये तो सर से लेके पांव तक झूठ है, छलावा है ये, और छलावे के साथ जिंदगी नहीं काटी जाती। बताओ भला, किसे पता था कि एक अनाथ हमारी अन्नू की जगह ले लेगी? इतने गुस्से में क्या देख रही है? इतना चिढ़ क्यों रही है तू? बचपन से लेकर आज तक तो हमेशा हमसे हारती आ रही है, अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी। मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है कि इसे सचमुच लगा था कि मैं इससे शादी कर लूँ। असली अनु ये
और तुम उसके नाखून बराबर भी नहीं। सुन लिया? इसीलिए हम कहते हैं कि दूसरों की चीजों पर नजर नहीं डालते। अर्जुन हमारे हैं, ये फैमिली हमारी है, ये घर हमारा है। तूने सबसे झूठ कहा, तूने पुलिस को बाबा के बारे में झूठ कहा। हम तुझे तेरी हर झूठ की सजा दिलवाएंगे। कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली सिर्फ मेरा साथ देगी। अर्जुन अनु का है और फैमिली भी अनु की है। असली अनु तुमने ये, और तुम एक झूठी, धोखेबाज और एक चीटर। नहीं, अर्जुन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अनु, क्या वटिता हो तुम? तू खुद को अर्जुन से शादी करके बहुत बड़ी हीरोइन समझ रही है? तुम मुझसे मेरा सपना नहीं छीन सकती, तुम मुझसे मेरा सपना नहीं छीन सकती। अनु शांत हो जा बेटा, मिश्री ने मुझे हरा दिया नानी। मैं मर सकती हूँ लेकिन मिश्री से हार के जी नहीं सकती। अनु, 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 प्यार नहीं बदतमीजी है, पागलपन है, और इसकी जिम्मेदार ये लड़की, इस लड़की ने तुझसे तेरे पैसे की वजह से शादी की। ये लड़की, अरे ये तो सर से लेकर पांव तक झूठ है, छलावा है ये, और छलावे के साथ जिंदगी नहीं काटी जाती। ठीक नहीं हुआ, रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेट्स गो। हमने पूछा था आपसे कि आप हमसे शादी क्यों करना चाहते हो, आपने हमें बताया नहीं, क्यों? जरूरी नहीं समझा, और मैं पहले से जानता था कि मेरी फैमिली ऐसे रिएक्ट करेगी, उन्हें तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम्हें हैंडल करने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेट्स गो। चलो। अगर हमें पता होता कि आपकी शादी पहले से फिक्स्ड है, वो भी प्रिया से, तो हम कभी हार नहीं करते। जानता हूँ, इसीलिए चुप रहा। तब आप भले ही चुप रहे होंगे, अब हम चुप नहीं रहेंगे। और ये तो वैसे भी नकली शादी है ना, एक साल की जगह इसे अभी के अभी खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं ये सब कुछ। आपकी फैमिली भी खुश होगी और प्रिया भी। मैं खुश नहीं रहूंगा, इसीलिए मैंने ये सब किया है। जो किया गलत किया, और इस गलत को अभी के अभी सुधार दो, सही कर दो इसे। घर जाओ, सबसे माफी मांगो और प्रिया से शादी कर लो। प्रिया भी खुश हो जाएगी और आपकी फैमिली भी, सब कुछ सही हो जाएगा। बड़ों के ताने मिश्री माइंड नहीं करती, मगर उनके आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। क्या कह रहा हूं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं अनु से शादी नहीं करूंगा, और हमें आपके परिवार का गुनहगार नहीं बनना।
बहुत चिंता हो रही है मेरी फैमिली की। अपने पापा के बारे में भूल गए, उन्हें जेल से छुड़वाना नहीं है। एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तुमने, एक दिन में बैक आउट हो रही हूँ। सॉरी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, फोकस। मुझे अपनी शादी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह याद है। तुम भी अपनी याद रखो, लाइफ सिंपल रहे। नाउ गेट इन द कार एंड लेट्स गो। अरे अनु, ये क्या करने जा रही थी तू? अपनी नानी का जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? अनु आंखें खोल बेटा। अनु बेटा आंखें खोल। अनु अनु आंखें खोल बेटा। गई? पानी ज्यादा पी लिया क्या? अनु अनु नाराजगी मिश्री से और सजा तो अपने बाप को देने वाली थी। नानी, इतना बेटा, मुझे मुझे नहीं जीना, मुझे मर जा। नहीं बेटा, हम एक बार तुझे खोने का गम सह चुके, दूसरी बार नहीं सह पाएंगे। पर मैं ये इंसल्ट, ये दर्द मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मुझे नहीं जीना, मुझे मुझे माँ के पास जाना है। नहीं बेटा, नहीं, ये मत बोल। क्यों बेटा, क्यों जाएगी उसके पास हमारी शिकायत करने कि हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए? एक मौका दे दे बेटा, ताकि जब भी हम अपनी बेटी से मिले उससे नजरें झुका के नहीं, नजरें मिला के बात कर पाए। शादी तभी पूरी होती है जब लड़का लड़की को अपनी पत्नी और परिवार उसे अपनी बहू मान ले, और हम उस लड़की को मरते दम तक इस परिवार की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। तेरे चाहे पूरे हो गए हों, लेकिन ये शादी हमेशा अधूरी ही रहेगी। ये अन्नपूर्णा अवस्थी का वादा है तुझसे। Yes, अम्मा। पानी पी ले बेटा, ना बच्चे ऐसे नहीं बोलते। थोड़ा तो पानी ले ले। उस लड़की का पिलाया हुआ अपमान का घूंट अभी तक इसके गले में अटका हुआ है, पानी अंदर कैसे जाएगा? क्या हालत हो गई है हमारी बच्ची की? कल तक कितनी खुश थी और आज उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, आंसू तक नहीं रुक रहे उसके। अरे तुम अभी तो मना कर दो कि पानी ना पिलाए। चुप रहो। और ये सब उस सड़क छाप लड़की की वजह से हुआ है। अश्विन, डॉक्टर को फोन लगा कि नहीं? दादी, कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो उनके घर जाके उन्हें यहाँ ले करा। हम अपनी बच्ची की यह हालत नहीं देख सकते। ठीक है दादी।
अर्जुन भैया आप? रास्ते की धूल को बाहर झाड़ कर आते हैं, अंदर लेकर नहीं आते। क्यों लाया है इस लड़की को? अपनी बहू का ऐसे स्वागत करेंगे दादी? खबरदार! ये लड़की हमारी बहू नहीं है। हमारी जिंदगी का सबसे बुरा सपना है जो जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा। और इससे पहले कि ये अच्छा काम हम खुद करें, इसे इस घर से और हमारी नजरों से दूर लेकर जा अर्जुन। मिश्री मेरी पत्नी है और पत्नी की जगह पति के घर में होती है। कहना क्या चाहता है? या तो इस लड़की को घर में रखे वरना तुझे भी इस घर से निकाल दे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप अपने बेटे को घर से निकालेंगे? पागल बना, बेटे के घर से जाने के ख्याल ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया। और कुछ देर पहले तुम्हारे इस बेटे की वजह से मेरी अन्नु इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी। जरा सोचो कि मुझ पर क्या बीतती। फिर भाई साहब, मैं आपके दर्द को समझती हूँ, लेकिन अब जब अर्जुन ने मिश्री के साथ शादी करी ली। कल्पना, इस लड़की का नाम अवस्थी खानदान के पोते के साथ एक साथ में दोबारा लेने की कोशिश भी मत करना। ये हमारा घर है और ये लड़की इस घर में एक कदम भी नहीं रख सकती। ये हमारा फैसला है। अरे कोनो शर्म वाली होती तो इतनी बातें सुन के मंदिर में ही शादी तोड़ देती। परी को देखो, ये तो बेशर्मी की अम्मा लगती है। हम भला करे सीधे घर पर ही आ गए। ए लड़की, पैसे की इतनी भूखी है का? वो प्लीज, आप सब चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए तो हो गई। आई होप आज नहीं तो कल आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। बेइज्जती तो उन लोगों को महसूस होती है जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। तू ऐसे नहीं जाएगी यहां से। ठहर। रही बात मिश्री के इस घर में रहने की,
तो लीगली ये मेरी पत्नी है और इसे अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़ा लिखा के तुझे वकील इसलिए नहीं बनाया था कि एक दिन हमारे सामने खड़े होके तू हमसे ही बहस करे। तो मत कीजिए ना अम्मा। मतलब कि इतने बड़े वकील हैं अर्जुन अवस्थी, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। दावाजे, दोबारा हमारी माँ की बात काटने की हिम्मत भी की ना, हो जाएंगे हम की दामाद है इस घर के। यहाँ बेइज्जती तो उन लोगों को महसूस होती है जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। वो ऐसे नहीं जाएगी यहाँ से। ठहर। अब तक यही खड़ी है और बेइज्जत होना है। अच्छा, बेइज्जती तो उन लोगों को महसूस होती है जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। तू ऐसे नहीं जाएगी यहां से। ठहर। अपनी फैमिली को जानता हूँ, धीरे धीरे वो शादी को एक्सेप्ट कर लेंगे। दुल्हन जब पहली बार ससुराल में कदम रख रही हो तो बहुत डरी हुई होती, पर बड़ों का आशीर्वाद, पति का प्यार, ये सब उसे कॉन्फिडेंस देते कि वो अकेली नहीं। वो सब असली शादी में होता है, ये नकली शादी है। जैसे भी है शादी है। जब तुम गृह प्रवेश की रस्म के बिना इस घर में आओगी। मैं अपनी फैमिली को जानता हूँ, धीरे धीरे वो शादी को एक्सेप्ट कर लेंगे। दुल्हन जब पहली बार ससुराल में कदम रख रही हो तो बहुत डरी हुई होती, पर बड़ों का आशीर्वाद, पति का प्यार, ये सब उसे कॉन्फिडेंस देते कि वो अकेली नहीं। वो सब असली शादी में होता है, ये नकली शादी है। जैसे भी है शादी है। जब तुम गृह प्रवेश की रस्म के बिना इस घर में आओगी